हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है। राजस्थान के अंदर जो नई रिफाइनरी विकसित हो रही है बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के पंचभद्रा में, तो उसके अंदर टेक्निकल स्टाफ की परमानेंट भर्ती की जा रही है। कुछ टाइम पहले मैंने वैसे टेलीग्राम में वो नोटिफिकेशन शेयर किया था, गेट के आधार पर और डिग्री वाले जो टेक्निकल कैंडिडेट हैं उनकी भर्ती हुई थी, उनका नोटिफिकेशन आया था। और धीरे धीरे करके आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, डिप्लोमा हो चाहे कुछ भी हो, तो सबकी ये भर्तियां करने जा रहे हैं। तो दूसरा समझे या फिर तीसरा ये शायद नोटिफिकेशन है, तो कंप्लीट अपन जानकारी लेने वाले हैं। इस प्रकार के डिपार्टमेंट की खास बात ये होती है कि वहां पे आपको पैकेज यानी कि सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। यहां पे एक्सपीरियंस और बिना एक्सपीरियंस सबके लिए भर्ती, और बिना एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं ना, छोटी से छोटी जो पोजिशन है यहां पर, उसके लिए भी मान के चलिए 70,000 रुपए के आसपास में मंथली सैलरी बनेगी, यानी कि लगभग लगभग ईयरली आपका 9 लाख रुपए का पैकेज रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ती है ना, जैसे कि बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहां पे 13 लगभग 14 लाख रुपए ईयरली के आसपास में पैकेज है। तो आपके लिए अगर यहां पे आप अगर शर्तें मीट करते हो, आपके लिए वैकेंसी सही है, तो आपको आवेदन करना है। बाकी जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जो अच्छे लोग हैं और इस फील्ड के अच्छे जानकार है, तो उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस प्रकार के डिपार्टमेंट में जब अच्छे लोग भर्ती होती है तो पूरे देश की प्रगति होती है। ठीक है, तो यहां पर अपन एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, आवेदन करने की डेट के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, एज के बारे में, एक्सपीरियंस और सब चीजों के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यहां पर सभी प्रकार के सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर इस प्रकार की भर्तियों की जो अपडेट्स है, नोटिफिकेशन वगैरह, वहां पर भी आपको मैं शेयर करता रहता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है दोस्तों, या फिर अपन रिफाइनरी की बात करें, तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, जो कि आपकी HPCL जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, यानी कि ये दोनों साथ में करते हैं। आपकी परमानेंट यहाँ पर भर्ती है, कोई टेम्प्रेरी भर्ती नहीं, ये भी ध्यान रखना। और सब चीज़ों की आवास वगैरह प्रॉपर आपके लिए व्यवस्था रहने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉब बहुत शानदार है, जॉब लोकेशन आपकी पंचभद्रा, जो कि बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली, एरिया बहुत ही अच्छा डेवलप होगा, आपकी लाइफ बन जाएगी अगर आपका यहां पे सिलेक्शन होता है तो, है ना। सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में, एज लिमिट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट है, है ना, कितनी कितनी वैकेंसी रखी गई है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं ना। देखो, सबसे पहले जो यहां पर वैकेंसी आ रही है, जूनियर एजुकेटिव फायर एंड सेफ्टी, है ना, जूनियर एजुकेटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए जो वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 37 वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी अच्छी है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही पोस्ट के लिए 100 आ जाए, 200 आ जाए, इतना वो नहीं होता, लेकिन सैलरी वगैरह सब चीज़ें अच्छी रहती है, तो ट्राई करना चाहिए एलिजिबल बच्चों को। ग्रेड इनकी E0 ग्रेड रहने वाली, 30,000 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, 30,000 बेसिक सैलरी का यहाँ पर आगे पैकेज दे रखा है, वैसे लगभग लगभग 9 लाख रुपये आपकी ईयरली सैलरी रहने वाली, तो अच्छा पैकेज है। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एज लिमिट है 25 वर्ष रखी गई है। बाकी जो OBC वाले बच्चे हैं, SC ST वाले बच्चे हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी, आगे नोटिफिकेशन में दी हुई है। उसके बाद जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल है, तो इसके लिए टोटल मिलाकर के 4 वैकेंसी रखी गई है, यही सेम पे स्केल यहाँ पे रखा गया, UR कैटेगरी के लिए 25 वर्ष एज लिमिट है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एक नॉन टेक्निकल वैकेंसी, जिसमें 2 वैकेंसी रखी गई है, यहाँ पर भी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। देखो, जॉब लोकेशन राजस्थान में रहेगी, हालांकि ऑल ओवर इंडिया से आप किसी भी स्टेट से आते हो तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हो, UR कैटेगरी की आपको कट ऑफ को फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर है केमिकल, है ना, उसमें टोटल 12 वैकेंसी रखी गई है, 40,000 यहाँ पे बेसिक सैलरी रहेगी, 25 वर्ष एज लिमिट है, यहाँ पे थोड़ी एज लिमिट कम रखी गई है ना। और उसके बाद देखिए आपका नंबर 5 पे देखो, इंजीनियर है मैकेनिकल ब्रांच से, उनके लिए टोटल 14 वैकेंसी रखी गई, E2 ग्रेड है, 50,000 बेसिक है, लगभग 14 लाख रुपए ईयरली सैलरी बनेगी, 29 वर्ष यहां पे अधिकतम आयुष में है। इंजीनियर केमिकल है और इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी है, तो कुल टोटल मिलाकर के रिफाइनरी के अंदर अभी अपन देखें तो 100 पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, और इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग जो डेट है, आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हो। ठीक है,
और जो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सभी के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 26 अगस्त 2024 रखी गई है, यानी कि इससे पहले पहले आपके पास में सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ओवर एज भी आप नहीं हो रहे हो तो आप इसके अंदर आवेदन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं, जिनको लगता है भी मेरे को यहाँ पर फॉर्म भरना है और मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले सकता हूँ, जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं वो अपने लेवल पर भी फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ हम यहाँ पर बता पाए, है ना। जब हम बताते हैं जो चीज़ ध्यान में आती है वो बता देते हैं, बाकी आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर रखें, है ना। ये चीज़ है, बाद में कुछ नहीं होता, हम बताते हैं वो भी नहीं चलती है, ना आप बताते वो चलती है, जो नोटिफिकेशन में होता है वो चीज़ें चलती है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आपकी जूनियर एजुकेटिव फायर एंड सेफ्टी वाले, ठीक है, इसमें टोटल 37 वैकेंसी थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो 3 साल का, जिनके पास में डिप्लोमा है ना, किसी भी ब्रांच के अंदर आपके पास में डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। बाकी साइंस ग्रेजुएट है वो भी आवेदन कर सकते हैं, परसेंटेज मिनिमम 60 है, बाकी यहाँ पे अदर जो SC ST दिव्यांग है उनसे 50% मांगे गए। लेकिन यहाँ पे वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, खासतौर से मैकेनिकल वाले बच्चे, IT मोटर मैकेनिक वाले बच्चे, उनको तो हैवी व्हीकल का लाइसेंस जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है, है ना। कोई भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है, देखो डिप्लोमा वाला, और यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बिना एक्सपीरियंस के ये आपकी पोस्ट है। जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल है तो इसमें जिसके पास में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है वो आवेदन कर सकता है, 60% से डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी देखो SC ST दिव्यांग बच्चे 50% डिप्लोमा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। 4 वैकेंसी यहां पर रखी गई, एक तरीके से सुपरवाइजर का आपका यहां पर रोल रहने वाला है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है तो ये आपके लिए एक नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, कोई जानकार हो तो उनको बता देना। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल है, देखो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, टोटल 12 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गई, ये इस प्रकार की है, पेट्रोकेमिकल हो गई, जिनका अभी ट्रेंड थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है ना। तो 4 वर्ष का आपके पास में डिग्री वाला कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है ना, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, 13-14 लाख रुपए ईयरली सैलरी, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद इंजीनियर मैकेनिकल है तो 14 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई, BE BTEC है ना, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन है, ना ये सब इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। और इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 वर्ष का रखा गया है। चलिए उसके बाद में आपके लिए अगली जो वैकेंसी आ रही है वो अगर अपन देखें तो इंजीनियर केमिकल है, इसके लिए 27 वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस और 4 साल की डिग्री आपके पास में है ना रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी है, 4 साल की डिग्री अगर आपके पास में है और 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में फायर सेफ्टी में, तो आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे देखा आपने सब चीज़ों को, है ना। अब देखो सैलरी का पैकेज यहाँ पे बताया गया, जूनियर एजुकेटिव लेवल में लगभग 8 लाख रुपए ईयरली पैकेज बन जाएगा, हालांकि सैलरी मंथली आपको मिलती रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर लगभग 10.5 लाख रुपए और इंजीनियर की जो प्योर इंजीनियर की पोजिशन है 13 लाख रुपये आपकी ईयरली सैलरी बन जाएगी। आप अगर एलिजिबल नहीं हो ना तो भी जो अच्छे लोग हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनके साथ में चीज़ों को शेयर जरूर करना। उसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया, जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल है, जूनियर फायर एंड सेफ्टी है, आपका CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, इनके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, और 2 आपके पेपर के अंदर पार्ट रहेगा, एक नॉन टेक्निकल का रहेगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, है ना, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, इनके प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी आपको टेक्निकल के, है ना, सवाल आएंगे। कितने टेक्निकल कितने नॉन टेक्निकल है वो नहीं बताया गया, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया। आपका टेक्निकल वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें कम से कम 50% आपके आने चाहिए, और ओवरऑल यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल में ओवरऑल करके आपके 60% पेपर के अंदर आने चाहिए, और 40% इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। ये सब चीज़ें आप अपने स्तर पर भी रीड कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर वाली और अकाउंट ऑफिसर वाली जो वैकेंसी है इसके अंदर भी इसी हिसाब से आपका पेपर ग्रुप डिस्कशन होगा, यहाँ पे CBT होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिनके आधार पर सिलेक्शन होगा, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें वो इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह डिटेल में बता रखा है, ठीक है। ज्वाइनिंग बाड़मेर के पंचपदरा में रहने वाले, हालांकि इन्होंने लिखा भी हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी दे सकते हैं जहाँ पे HPCL की रिफाइनरी है, लेकिन चांस यही है लगभग 99% की आपको यहीं पे ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में इनके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 4 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई, तो उससे पहले पहले आपको आवेदन करना है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, अप्लीकेशन फीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखी गई है,
यानी कि 1180 रुपये अप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज है ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, यूआर कैटेगरी से। बाकी देखो यहाँ पे जो एससी एसटी के दिव्यांग महिलाएं हैं उनके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो शायद उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें इन्होंने दर्शा रखी है ना। और देखो ड्राइविंग लाइसेंस जिन बच्चों से मांगा गया है ना उनको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा, तो वो आपके पास में होना जरूरी है। और बहुत ज़्यादा खास चीज़ कोई इसके अंदर दी नहीं है। बाकी आप नोटिफिकेशन को रीड करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल की वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप रीड कर लीजिएगा। अच्छी चीज़ है, एलिजिबल हो तो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन मिलता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।